हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 6 ग्रामर चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, किस में आते हैं। तो सबसे पहले जब हमने आगे के चैप्टर्स पढ़े तो उसमें आता था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, ये सब हमें पता है। सेंटेंस यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि जिसका कोई मीनिंग हो। तो अगर मीनिंग के मुताबिक वर्ड्स को अरेंज किया गया हो, मीनिंग के मुताबिक वर्ड्स को अरेंज किया गया हो तो ही वो सेंटेंस बनेगा। तो जब हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं, जब सेंटेंस बनाते हैं, तो वी कैन डिवाइड सेंटेंस इन टू पार्ट्स। हमारा जो सेंटेंस है उसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट्स टू पार्ट्स इज अवर चैप्टर सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस लो, उसमें हम टू पार्ट्स में उसे डिवाइड तो कर ही सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ, अच्छे से देखिए, बाद में डेफिनेशन समझेंगे। कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, अब यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस लिखे, ऐसे वर्ड ऑफ ग्रुप्स लिखे जो अरेंज किए गए हैं, उसका कुछ मीनिंग भी होता है। अब हमें ये जो सेंटेंस है उसे पढ़ के ये समझना है कि इसका मीनिंग क्या हुआ। देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब कि सन है वो ईस्ट में राइजेस होता है। तो अब हमें ये समझना है कि हमने इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की, किसके बारे में बात की, सन के बारे में। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस आपको समझाती हूँ कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, चिल्ड्रन के बारे में। तो यहाँ पर देखो, मैंने किसके बारे में बात की गई है वो जो पार्ट है उसे अलग किया और आगे का पार्ट अलग, यानी कि मैंने सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में बोलो, टू पार्ट्स में। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, द सन, और दूसरा पार्ट है राइजेज इन द ईस्ट। फिर दूसरा सेंटेंस है चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो उसका भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि द चिल्ड्रन द आर प्लेइंग। ठीक है, तो जब हम सेंटेंस को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। क्लियर, अब हम सीखेंगे उसकी डेफिनेशन। तो द सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट की डेफिनेशन सीखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज दैट पार्ट, मैंने बोला ना कि पार्ट, इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, जिसके बारे में बात की गई है। जैसे कि अभी मैं आपसे जिसके बारे में, जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में सन के बारे में बात की गई, दूसरे सेंटेंस में द चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है। कभी कभी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, मोहन इज राइडिंग द बाइसिकल, तो मोहन के बारे में बात की गई है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप, ऐसा वर्ड सेंटेंस का, ऐसा पार्ट सेंटेंस का कि जिसमें किसी के बारे में बात की गई हो, तो जिसके बारे में। फिर से डेफिनेशन देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, अबाउट विच समथिंग इज, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो सेंटेंस में, समझ रहे हो, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा गया है उसे हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। तो हमें अगर सेंटेंस में से सब्जेक्ट को पहचानना है तो किस तरह से हम पहचानेंगे, तो जब भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो मोस्टली इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी यूज अ सब्जेक्ट, मोस्टली इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्लियर, कि स्टार्टिंग में ही
मोस्टली सब्जेक्ट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में सब्जेक्ट आता है, स्टार्टिंग में कुछ अदर वर्ड्स आ जाते हैं, पर दैट्स रेयर केस। मोस्टली वी हैव सब्जेक्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, बट ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट ओनली वन वर्ड ही हो, समझ रहे हो? ऐसा कहीं भी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा ओनली वन वर्ड ही हो कि आई मी यू, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट जो होता है वो कोई वस्तु थिंग उसका भी नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, कुछ प्लेस का नाम हो सकता है। ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ताजमहल के बारे में बात की गई है तो वो एक प्लेस हुआ। रोज इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो रोज के बारे में वो वस्तु हुई। मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है हमारे सेंटेंस का वो कोई वस्तु, कोई पर्सन, कोई प्लेस या प्रोनाउन भी हो सकता है। आई वी ही शी इट ऐसा भी, दे ऐसा प्रोनाउन भी हो सकता है। और ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट जो है वो ऐसा नहीं कि ओनली वन वर्ड। यहाँ पर भी देखिए कि द सन टू वर्ड्स हुए, फिर माय सिस्टर, द चिल्ड्रन ऑफ दिस ग्रुप, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट, ज़्यादा वर्ड्स के भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चिल्ड्रन, ऐसा द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास या इस तरह से, यानी कि द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास यानी कि इस क्लास के चिल्ड्रन, इस क्लास के स्टूडेंट्स। तो एक डिटरमाइन हो गया कि उसकी लिमिट आ गई कि सिर्फ इसी क्लास के चिल्ड्रन या इसी क्लास के स्टूडेंट्स की बात की गई हो, समझ रहे हो ना? कि सब्जेक्ट जो होता है नॉट ओनली वन वर्ड, बट कभी कभी सब्जेक्ट ज़्यादा वर्ड भी हो सकता है। पर हमें सेंटेंस को पढ़ के, सेंटेंस को पढ़ के ये समझना है कि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो कितना है। तो बोरोइंग गारमेंट्स आर नेवर फिट्स, तो बोरोइंग गारमेंट्स यानी कि किसी के पास से लिए हुए कपड़े आर नेवर फिट्स, कभी फिट नहीं होते। तो द बोरोइंग गारमेंट्स, इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट हुआ। इस तरह से अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, वन वर्ड वाले सब्जेक्ट हो, प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट हो, कोई प्लेस वाला सब्जेक्ट हो, या अदरवाइज वर्ड ऑफ वर्ड के ग्रुप का भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो हम सेंटेंस पढ़ के ही समझेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज अवर प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? अ प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जैसे कि हमने सब्जेक्ट पढ़ा कि जिस व्यक्ति, वस्तु, प्रोनाउन जिसके बारे में बात की गई हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। पर उसके बारे में क्या बात की गई है? तो जो बात की गई है उस बात को हम, यानी कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अवर प्रेडिकेट। क्लियर? कि जो रिमेनिंग पार्ट है, बाकी का जो पार्ट है, वो पार्ट जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। ऐसा नहीं है कि प्रेडिकेट ओनली वन वर्ड, इट कैन बी ऑल्सो मैनी वर्ड्स, बट द प्रेडिकेट हैव द वर्ब। क्लियर? वर्ब होना चाहिए प्रेडिकेट में। यहाँ पर देखिए, राइजेस ये हमारा वर्ब है, यहाँ पर आर ये हमारा वर्ब है, प्लेइंग है वो हमारा एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ये याद रखिए कि प्रेडिकेट कंसिस्ट वर्ब। ओके, आगे देखिए, अ सेंटेंस इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, वो हमने देखे। द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड एज वेल एज सेवरल वर्ड्स एंड प्रोनाउंस, बट व्हेन द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जो होता है वो किस तरह से होता है? तो प्रेडिकेट इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट आगे का निकाल दिया, यहाँ पर द सन, तो बाकी की जो बात है, सन के बारे में हमने क्या बात की? राइजेस इन द ईस्ट। तो जो बात हमने की है उस बात को, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अवर प्रेडिकेट। क्लियर? जब हमें एक्सरसाइज में इस तरह से करने का है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट या अदरवाइज आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, तो वी कैन से दैट कि जिस व्यक्ति, वस्तु के बारे में बात की गई है उसे सब्जेक्ट, और जो बात की गई है वह प्रेडिकेट है हमारा। तो ऐसा रखती हूँ कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट्स ऑफ अवर सेंटेंस क्लियर हो चुके होंगे। तो अच्छे से पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए और ये वीडियो रिवाइज करके देखिए ताकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।